देखने वाला भी कोई नहीं रहते हैं। आज आप यहाँ पर विजिट किए हैं, आग लगी हुई थी, क्या कहिएगा निरीक्षण करने के बाद, क्या आपका निरीक्षण है यहाँ पर? भाई कोई भी व्यक्ति ना, उसके अंदर थोड़ा सा भी दिल होगा ना, दहल जाएगा वो इस हालात को देख के। छोटी सी बच्ची गले आके लगी है, भैया भैया भैया, कैसे नहीं किसी का दिल पिघलता है ये सब देख के। और अफसोस की बात यह है कि ये घटना एक ऐसी जगह पे घटी है जहाँ अगल बगल सब माननीय ही है, विधायक हैं, मंत्री हैं, सब हैं, और किसी को ज़रूरी नहीं लगता कि यहाँ पर आकर देखें। 9800 की मदद कर दी इन लोगों को, लग रहा है कि सब हो गया इन लोगों का। भगवान ना करे, पर अगर इनमें किसी भी माननीय के घर पर कोई ऐसी घटना घटे तो क्या 9800 रुपये में लोग अपना पुनर्वास कर लेंगे? छोटा सा बच्चा जले हुए ग्लास में पानी पी रहा है, कुछ नहीं बचा, इन लोगों की पहचान तक नहीं बची इनके पास। और मुख्यमंत्री भाई कितना दूर है इनका महल, एक अनन्य मार्ग, एक मिनट अगर आ जाए, आकर भाई कुछ नहीं भी करें ना, दिलासा दे के भी चले जाए, ऐसी समय पे एक दिलासा भी बहुत होता है, उम्मीद जगती है। उम्मीद टूट रही है इन लोगों की कि हम लोगों का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं होगा हम लोगों का। और इंसान जब उम्मीद खो देता है ना, उसके बाद जिएगा वो कैसे? और जो लोग सत्ता में हैं, जिन जो सक्षम है सब करने का, भाई मैं तो अपनी तरफ से करूंगा ही, पर मैं ना केंद्र सरकार में हूं ना मैं राज्य सरकार में हूं, इतना बेबस अपने आप को महसूस कर रहा हूं आज की तारीख में। पर मुझसे जितना बन पड़ेगा वो तो मैं फिर भी करूंगा, पर मेरे एक यहाँ पर त्रिपाल लगवा देने से, पानी की टंकियाँ ला के यहाँ पर खड़ी कर देने से, 2 शौचालय यहाँ पर करवा देने से, या एक समय 2 समय का खाना यहाँ पर करवा देने से क्या हो जाएगा? इन लोगों का पूरा जीवन इन लोगों का उजड़ गया, पूरी पूंजी इन लोगों की उजड़ गई है। क्यों नहीं सरकार जिम्मेदारी लेती है? और तो और इन लोगों को अपने पहचान पत्र के लिए थाने लोग जा रहे हैं, तो थाने वाला बोलता है कि जाओ जाके कोर्ट से एफिडेविट लेके आओ। क्या थाने को नहीं पता कि यहाँ पे कैसी आग लगी है? क्या यहाँ पर आकर निरीक्षण करके सबको प्रमाण पत्र वो यहाँ पे नहीं देके जा सकते हैं क्या? गजब इन लोगों ने हाल बनाया हुआ है। अभी हम लोग राघोपुर से आ रहे हैं, राघोपुर का भी यही हाल है। बिहार में लोग जल रहे हैं और इन लोगों को पार्टियों की पड़ी हुई है। जिस दिन यहाँ पे घटना घटी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं। जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी पे खर्च कर रहे हैं भाई, और ये तमाम राजनीतिक दलों से मैं बोलूँगा, जितना पैसा आप लोग इफ्तार की पार्टी में खर्च कर रहे हैं उसका एक हिस्सा भी आप लोग यहाँ पे दे दीजिए तो इन लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। कैसे आप लोगों का दिल मानता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करें और यहाँ पर आके इन लोगों के लिए आप व्यवस्था ना करें? मेरी अगर इन लोगों से मुलाकात होगी मैं ज़रूर इन लोगों के समक्ष इस बात को रखूँगा। पर जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, अहंकार दिखाता है भैया इन लोगों का, सरकार का अहंकार दिखाता है। आना तक ये लोग ज़रूरी नहीं समझते, दिखाता है कि इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई मुख्यमंत्री जी आप भी बिहारी हैं, ये लोग भी बिहारी हैं, बस संजोग से इतना कि नसीब से आप मुख्यमंत्री बन गए और ये लोग झोपड़ियों में ही रह गए, सिर्फ इतना ही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है आप में और इनमें। पर आपका मुख्यमंत्री बनने का अहंकार, इन लोगों की बद्दुआ मत लीजिए भाई, बहुत बुरे हालात में लोग जी रहे हैं, मवेशी तक, जानवर जले हुए हैं भाई। हम लोग तो बोल के अपना दुख बता रहे हैं, वो तो बता भी नहीं पा रहे हैं। और बताइए ये लोग बैठे एयर कंडीशन कमरे में एसी चला के इफ्तार की पार्टियां मना रहे हैं। बहरहाल अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा, एसडीएम से ही मेरी बात हुई पुनर्वास की, और पुनर्वास इन लोगों का यही होना चाहिए, ये हम लोगों की भी मांग है भाई। 50 साल से ये लोग रह रहे हैं, ज़मीन का इतना सा टुकड़ा दे देंगे तो सरकार पे कौन सा आसमान टूट जाएगा, कौन सा आसमान इन लोगों के ऊपर टूट जाएगा? हम लोग मांग करते हैं कि यही इन लोगों का 50 सालों से घर रहा है यहीं पर, इनको इंदिरा आवास योजना के तहत हो या जिस भी माध्यम से हो, इन लोगों के घरों का निर्माण करके दिया जाए। मैं अपने माध्यम से भी प्रयास करूंगा, बट जितनी और संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस हो, जो भी हो, उनसे मैं भी बात करूंगा और इन लोगों से भी आग्रह करूंगा। कपड़े जल गए हैं, बर्तन जल गए हैं, कुछ नहीं है इन लोगों के पास, कम से कम सामान, कपड़ा लत्ता, उसकी व्यवस्था इन लोगों को करके दी जाए। ये तमाम बातें हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, पार्टी के लोग भी निरंतरता में आके जितनी सहूलियत हम लोगों की तरफ से दी जा सके वो देने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाई मुझे पता नहीं अभी शाम का भी क्या है, अभी हम यहाँ के कार्यक्रम में, सुबह हम राघोपुर में थे, शाम तक देखते हैं क्या कार्यक्रम बनता है नहीं बनता है। बट हाँ, अगर मुलाकात होती है तो ये तमाम बातें वहाँ पर रखने की हैं। ज़रूरी है सरकार को इन बातों को समझना, आपकी प्राथमिकता क्या है आज की तारीख में? बिहारी जल रहे हैं भाई, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि कोई पार्टी देना। आपके भाई प्रिंस ने कहा कि अखिलेश थ्री वालों की जुटान होगी। अरे भाई छोड़िए ना, कोई बात नहीं।
है।